अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वैशाली संसदीय क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी बीना देवी के पक्ष में प्रचार करने के लिए मंगलवार को अन्य नेताओं की बैठक में चुनाव संचालन समिति का गठन किया गया। समिति में प्रखंड से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को जगह मिली। लोकसभा की एनडीए की बैठक हुई है। इस एनडीए की बैठक का मुख्य उद्देश्य है आज संचालन समिति का संरचना किया गया है। इस संचालन समिति में तीनों पार्टी के मुख्य जो बड़े पद पर ओहदे पर जो हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, जिनको प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर के नेता और जिला स्तर के जो नेता हमारे हैं, वैसे सभी साथियों को ये संचालन समिति के सदस्य बनाए गए हैं। और हमारे जिला के जो वर्कर हैं एनडीए के, चाहे वो एलजेपी के हों, चाहे जदयू के, चाहे बीजेपी के, वैसे सभी साथियों को विधानसभा के संचालन समिति की कमेटी में रखा गया है। और आज से हम सभी लोग तीनों दल के अध्यक्ष और तीनों दल के कार्यकर्ता मिलकर के एनडीए का संचालन करेंगे। दोनों जिला अध्यक्ष हमारे साथी बीजेपी के और लोजपा के, मुझको संयोजक चुनने का काम किया है दोनों लोकसभा का। लेकिन मैं तो समाजवादी चरित्र का हूँ, मेरे दोनों साथी मेरे अगल बगल रहेंगे। हम तीनों विचार करके बिल्कुल जो रणनीति जीतने की तय होगी वो हम लोग करते रहे हैं और करेंगे। जदयू जिलाध्यक्ष हरिओम कुशवाहा को संयोजक बनाया गया है, जबकि भाजपा जिलाध्यक्ष राम सूरत राय व लोजपा जिलाध्यक्ष अजय कुमार सिंह सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। मुजफ्फरपुर से न्यूज के लिए संतोष तिवारी की रिपोर्ट।